गुड इवनिंग। आज के टॉपिक को मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑप्टिक्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो अभी भी बहुत सारे हैं, अभी हम उसको कराना है, तो मैंने टॉपिक लिख दिया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देखेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। पहला क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन ए ट्रांसपेरेंट बलून। हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन अ ट्रांसपेरेंट बलून। हाइड्रोजन गैस को मैं फिल कर रहा हूं ट्रांसपेरेंट बलून में, विच इज केप्ड इन एयर, विच इज केप्ड इन एयर द बलून बिहेव्स एज बलून किस तरह से बिहेव्स करेगा वो यहाँ पे हमें बताना है। और पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा कॉनकेव लेंस। तीसरा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और फोर्थ ऑप्शन है कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। किसकी तरह बलून बिहेव करेगा यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है। तो सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले ज्योति जुड़ चुकी हैं, उसके बाद रशिका है, अश्वनी है, सुमैया है, और रितिका है, कनिका है, शंभवी, साध्वी और आलम जी। तो सब जुड़ चुके हैं और सब लाइक भी करो एक बार अपनी तरफ से। जी हाँ, मैं कहूँगा सबको लाइक करने के लिए भी। ठीक है, गुड। तो अब यहाँ पे आपको देख के बताना है कि ये कौन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, चलिए, सबने लाइक भी किया है और आगे भी करेंगे। यहाँ पे क्या कंटिन्यू करना है हमें इसको क्वेश्चन को। तो ए भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बी भी, यहां पे मैं बता दूं कि हाइड्रोजन गैस इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर। ठीक है, इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। एक बात तो मैं बोल दूं, दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं। एयर के लिए भी बात करें तो एयर भी ट्रांसपेरेंट होगा, और जो हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है, हाइड्रोजन गैस भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट गैस है। तो जब ट्रांसपेरेंट गैस है तो जो रे वहां से पास करेगी, तो जैसा कि आप समझ लो कि ये बलून है, यहाँ पे ये बलून है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, फिर एयर है,
ठीक है, इस तरह से है। तो ऑब्वियस ही बात है, रे तो यहां से आएगी और पास तो करेगी जरूर, पास तो करेगी जरूर, ये डेफिनेटली पास करेगी। पास करेगी तो इसका मतलब मिरर तो हो नहीं सकता, मिरर होगा नहीं। ठीक है, अब जैसा मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर। तो आपको याद होगा, इस तरह से हम लोग लिया करते थे, एक म्यू वन मीडियम लेते थे, यहाँ पे म्यू टू लेते थे और फिर ये म्यू वन लेते थे। तो अब यहाँ से रे पास कराते थे हम लोग, ठीक है, रे को हम लोग पास कराते थे। तो किस तरह से वो रे बिहेव करती थी, यहाँ पे हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा कि किस तरह से रे बिहेव करती थी। मैंने बिल्कुल आपको एक हिंट दिया है यहाँ पे, और इस हिंट को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ऑब्वियस ही बात है, रे क्या होगा, अब जैसे ये सारे रे यहाँ से आ रही है, ये डेंसर मीडियम होगा कंपेयर टू, ये रेयरर मीडियम होगा। तो रेयरर होगा तो ये यहाँ से इस तरह से डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, जो सीधा जाएगा वो तो सीधा जाएगा, बाकी सब जो है डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेंगे। और डाइवर्जिंग जो बिहेव करता है वो किस में होता है, वो कॉनकेव लेंस में होता है, वो प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉनकेव लेंस में। तो बी ऑप्शन जो आप बता रहे हो, आप में से जिन्होंने बी ऑप्शन को रिकमेंड कर रहे हो, वो बी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है, क्योंकि रे यहाँ पे ये देखी जाए कि डेंसर से रेयरर में जा रही है ना। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली मैं बताऊँ आपको, जैसे सिंपल सा ये मान लो कि ये एक लेंस होता, और नॉर्मली रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस की जो होती है, अगर म्यू टू उसको मानोगे, तो यहाँ पे जो म्यू वन जो एयर लेते हो आप, तो एयर वाला जो होता है वो रेयरर होता है, और ये म्यू टू जो होता है वो डेंसर होता है, जिसके कारण कॉन्वेक्स लेंस जो है क्या होता है, इस तरह से बिहेव करता है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, है ना, ये कन्वर्जिंग की तरह। लेकिन यहाँ पे इस केस में जो हमने लिया है, ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसकी मीडियम जो है, ये वाली मीडियम जो है जिसमें आपने हाइड्रोजन गैस लिया है, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये एक तरह से रेयरर मीडियम है कंपेयर टू योर गैस। तो ये रे जैसे भी आएगी, ये क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्जिंग केस कॉनकेव में होती है, कॉनकेव लेंस में होती है, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से लोग जो आप लोग वीडियोस बना के सेंड कर रहे हो, उसको मैं जिस दिन आप सेंड करोगे उसी दिन मैं शेयर करूँगा, ऐसा नहीं कि अगले दिन होने दूँगा। सबकी वीडियोस के बारे में बोल रहा हूँ, आप जिस दिन शेयर करोगे उसी दिन। ये चीज़ अलग है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होती है, और टाइम को शॉर्टेज होने के बाद भी मेरी कोशिश होती है कि उस काम को उसी दिन सेम डे में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि दूसरे दिन की ज़रूरत ना पड़े, दूसरे दिन और भी कामों के लिए मैं रखता हूँ, ताकि वो प्रॉब्लम मेरी रहे ही ना, है ना। तो मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और मैं बता दूँ दिल्ली से ही हूँ, और दिल्ली से ही आप लोग को यहाँ से सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो कि हमारे साथ ऑनलाइन यहाँ पे भी क्लासेस ले रहे हैं, और हमारी प्रीमियम क्लासेस में भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वहाँ के प्रीमियम क्लासेस में भी हमारे साथ डेली क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपके साथ, और आप देखोगे क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास, टू आइडेंटिकल, ठीक है, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स, थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास, प्लेनो कॉन्वेक्स के बीच एक डैश मैं दे रहा हूं यहां पे, प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज, लेंसेज जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 की है, ईच
हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस, आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द इंटरवेनिंग स्पेस, द इंटरवेनिंग स्पेस, ये जो इंटरवेनिंग स्पेस है, द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ, इज फिल्ड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको मैं बोल देता हूँ म्यू टू, जो कि 1.7 है, म्यू टू इक्वल टू 1.7, है ना, ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, क्या है फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन, वो ऑप्शन आपको देख के बताना है, -25 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करके जरा बताएंगे कि क्या होगा। हाँ, मैंने सबको बोला था कि लाइक कर दें, तो आप लोगों ने सबने लाइक कर दिया है, वेरी गुड, थैंक यू। जितने भी कम से कम व्यूअर्स हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आप अपनी फिंगर को उठाओगे और जो थंब का इम्प्रेशन है वहाँ पर आप टच करोगे, लाइक्स बढ़ जाएंगी। तो आंसर आ रहा है और आपका आंसर, आप लोगों का सबका कहना है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो जिनका आंसर आया है वो बी इसका ऑप्शन बता रहे हैं, बी इसका ऑप्शन बता रहे हैं। तब तक आप इसका रिप्लाई करें, मैं इसमें एक डायग्राम जरूर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे देखो डायग्राम कुछ इस तरह का है, आपको अच्छा लगे तो बताना। कल भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी आया था डायग्राम, उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा है, और इवन उन्होंने भी, बहुत सारे बच्चों ने भी मेरे पास डायग्राम शेयर किया कि देखो मैं भी, हमारा भी डायग्राम आप देखो सर, कि हम भी कुछ कमज़ोर नहीं हैं और आपसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, और अच्छा बनाया है बच्चों ने, बहुत अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो म्यू वन है, ये एक तरह का म्यू वन है, ये म्यू वन है, 1.5 है, इसके बारे में बोल दें, म्यू वन इक्वल टू 1.5, और इस तरह का ये जो मीडियम है, मीडियम में म्यू टू जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरवेनिंग मीडियम, यहाँ पे आप देख पा रहे हो द इंटरवेनिंग स्पेस, ये है इस दोनों का इंटरवेनिंग स्पेस म्यू टू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमारे पास 1.7 का, ठीक है, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है। तो सवाल आता है कि फॉर्मूला क्यों ना अप्लाई कर लें,
चलिए वन फॉर्मूला है हमारे पास, वन बाय एफ वन इक्वल टू म्यू माइनस वन, मतलब एक में 1.5 माइनस वन, और दूसरा अगर इसको लिख दें हम लोग डायरेक्ट तो 1 बाय 20, क्योंकि जो देखो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पहले वाले के लिए ये 1 बाय 20 का है, इसको आप सॉल्व करोगे आप तो 1 बाय 40 आ रहा होगा। उसी तरह से 1 बाय F2 भी निकाला होगा आपने, ठीक है, तो 1 बाय F2 अब चूंकि प्लेनो कॉन्वेक्स है, 1 बाय म्यू माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 लिखते हैं तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 बाय 20 प्लेस कर दिया। दूसरे वाले में भी 1.5 माइनस 1 इनटू, और ये हो जाएगा आपका दूसरे का जो है एक का 40 है और दूसरे का 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरे के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये 20 है तो 20 लिख दिया मैंने, तो इसके लिए भी अगर मैं बोलूँ तो ये भी 20 का है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है इसने प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास है और दोनों की ही रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर की है, तो R1 और R2 दोनों ही ऐसे ही हैं, तो इस हिसाब से ये भी आपका 1 बाय 40 आ जाएगा, मतलब पहले का भी फोकल लेंथ आ रहा है और दूसरे का भी फोकल लेंथ आ रहा है। तो तीसरे वाले केस में हम लोग डायरेक्ट देखेंगे 1 बाय F3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, जो कि हमारे पास 1.7 दिया हुआ है जो इंटरवेनिंग मीडियम है, तो 1.7 और ये आ जाएगा आपका ये माइनस 2 बाय 20 जो कि -7/100 का देखने को मिलेगा आपको, ये भी चेक करो आप, और तीनों को मिला के आप ये कह सकते हो मिला के जो हमारे पास आएगा 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 प्लस 1 बाय F3, यही कहोगे आप कि तीनों को मिला के कुछ ऐसा ही आएगा, तो 1 बाय F1 ये है, 1 बाय F2 ये है, 1 बाय F3 ये है, आपने ऐसे ही किया भी होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 40 प्लस 1 बाय प्लस नहीं माइनस माइनस 7 बाय 100, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो F निकाला होगा आपने जो कि 50 सेंटीमीटर का आया होगा, चेक करो यही था क्या आपका, आप में से सब बता दो कि यही मेथड आपने अप्लाई किया। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली ये देखो यहां पे ये बन रहा होगा, इसका सेंटर ये रहा होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक का रहा होगा, उसी तरह से दूसरे का भी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दोनों में सेम ही है ना, है ना, दोनों में सेम है। हाँ मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब सिर्फ चेक कर लो, सॉल्व करो बस, देखो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको क्या पता है मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला 1 बाय F इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, है ना, इसी फॉर्मूले पे सब अप्लाई किया है, तो इसके लिए ये सरफेस है और इस सरफेस दोनों के लिए 1.5 1.5 है, और यहाँ पे आप करोगे देखो 1 बाय 20 अपॉन प्लेनो कॉन्वेक्स है तो 1 बाय 20 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो सिर्फ 1 बाय 20 रह जाएगा, इसके लिए भी 1 बाय 20 रह जाएगा। थर्ड वाले में देखोगे तो थर्ड वाले में आपके पास क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्ड वाले के लिए चूँकि ये जो बन रहा है ना, ये जो सरफेस आप देख रहे हो ये दोनों पार्ट, मतलब इसका और इसका दोनों पार्ट से मिलके बना हुआ है, मतलब अगर आगे लेके चलें इसको और कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव के लिए 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, दोनों कॉनकेव का पार्ट है, 1 बाय 20 और
माइनस वन बाई ट्वेंटी और माइनस दूसरे लिए भी माइनस वन बाई ट्वेंटी, हाँ दोनों को ऐड कर देंगे, कनिका बता रही है यहाँ पे, ऐड कर देंगे दोनों को तो टू बाई ट्वेंटी आ जाएगा, और टू बाई ट्वेंटी आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको माइनस सेवन बाय हंड्रेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है कि इसको डायरेक्ट प्लेस कर दूँ सीधा और आपके लिए रिजल्ट लेके आए। बाकी आप फाइनल रिजल्ट चेक करो कि सबका आ रहा है, वहां तक पहुंचने में किसी को कोई प्रॉब्लम, भवेश जी आप चेक करके बता सकते हो। हाँ क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, करेंगे ठीक है। और आप लोगों ने लाइक कर दिया है, शेयर भी किया होगा, ठीक है, सब तक पहुंचा दो ये मैसेज कि आपकी क्लासेस जो है कैसी चल रही है, और आपको आपको स्पेशली आप लोग जो लोग जुड़े हुए हो हमारे से स्पेशली, उनको तो बेस्ट करना है, उनको तो जो भी टाइम होगा वो देके बेस्ट करना है, मुझे करवाना भी है उनको, ठीक है ना। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कनिका, आप बताओ क्या प्रॉब्लम्स लग रही है आपकी, मैं देख रहा हूँ। वन पॉइंट सेवन माइनस वन, वो तो आप कर लोगे वहां पे, 1.7 माइनस 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वहां पे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.7 आप देखो, 0.7 आएगा, 0.7 आ गया, 0.7 को क्या लिखोगे, 7 बाय 10 लिखोगे, और 2 बाय 20 को क्या लिखोगे, तो 1 बाय 10 लिखोगे, तो हो गया ना 7 बाय 100, ठीक है 7 बाय 100 हो जाएगा। अगले पार्ट को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। डायमीटर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इज 6 सेंटीमीटर एंड इज 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस एट द सेंटर इज 3 mm, ठीक है, थिकनेस जो है वो 3 mm की है, ये दे दिया गया है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल ऑफ लेंस, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल ऑफ लेंस इज 2 × 10⁸ इसमें दी हुई है, 2 × 10⁸ m/s, 2 × 10⁸ m/s। तो कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने किए भी होंगे, रिपीटेड भी होगा वो क्वेश्चन, आप देख पाओगे क्वेश्चन रिपीट भी किया जा रहा होगा, ठीक है।
तो कैलकुलेशन की जहां तक बात है, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम लगती है, आप थोड़ा टाइम दो उस पे और अच्छे से कैलकुलेशन करो, टाइम दो, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछने से पहले आप उस पे टाइम दो। आपके पास तो मैं तो नोटबुक और पेन होगी ही, आप सब जैसे मेरे साथ बैठ रहे हो सबके पास नोटबुक पेन तो होती है ना, तो सब कैलकुलेशन में एक में नहीं दो। जब तक मैं लिख रहा हूँ या आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, आप तो दो तीन बार कैलकुलेट कर दोगे, तो आप उसमें थोड़ा सा टाइम दो कैलकुलेशन के लिए और अच्छे से कैलकुलेट करो, है ना। तो आपका कैलकुलेशन फास्ट और उतना ही इजी होगा जितना मेरे लिए बोर्ड पे करना थोड़ा टाइम ले कंज्यूमिंग होगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये 10 सेंटीमीटर और डी 15 सेंटीमीटर। बहुत चीज़ों का तो आंसर भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि रिजल्ट क्या होता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड थिकनेस एट द सेंटर इज 3 mm, थिकनेस भी दी हुई है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज, इतना वैल्यू दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चाहिए, लेंस की फोकल लेंथ चाहिए आपको यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इस स्फेरिकल सरफेस की मान लो कि रेडियस को यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये इसका रेडियस है, ठीक है, बी बता रहे हैं 30, बिल्कुल ठीक है, कनिका बता रही है 30 है, आर है उनका, और सब लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो रिप्लाई जरूर करें। और ये यहाँ से यहाँ तक, और इसकी थिकनेस जो है वो टी थिकनेस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो आप इसकी थिकनेस को मैं टी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा यहाँ से इस जगह से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर माइनस टी का होगा, सबका आ रहा होगा, आर माइनस टी का आ रहा होगा। और यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके मिड से, ये डी डिस्टेंस है, ये इसकी डिस्टेंस यहाँ तक की जो है वो डी की है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। अब मैं चाहता हूँ कि देखो सबसे पहले आर स्क्वायर, तो ये इसको डायगोनली इसको ऐसे ज्वाइन करके देखो, तो ये तो एक तरह से हाइपटेनियस होगा, है ना, ये हाइपटेनियस होगा, तो ये भी तो r ही हो गया ना, हाइपटेनियस किसके इक्वल हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये r स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, r स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, ये देखो ये r स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर और प्लस में r माइनस t का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से ना, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय टी बाय आर लिख लो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस, अब इसमें भी हम लोग कर देते हैं डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसमें से भी हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन था ही हमारा, 1 माइनस टी बाय आर इसका होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल कर दो आप, ठीक है, इस दोनों आर स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास जो बच गया इतना, तो इसको आप लिखो 1 माइनस डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेसिस पे 2 आपका आगे आ जाता है, याद होगा आपको,
तो 1 माइनस 2t बाय आर, ठीक है, 2t बाय आर आ जाता है। तो देखो अब ये 1 और ये माइनस, ये इसका ये हटा दो, ये हटा दिया मैंने। अब डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो इसमें एक आर भी हटा दो, अब आर रह गया यहाँ पे। तो आर इक्वल टू, यहाँ से निकालो तो देखो कितना आता है, तो आर इक्वल टू आपका आ जाएगा डी स्क्वायर बाय टू टी, डी स्क्वायर अपॉन में टू टी। देखो आ रहा है क्या सबका, और डी जो है वो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे पहले इतना आया सबका, चेक करो, क्योंकि देखो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ कर रहा है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा वो कितना होगा, आप रेडियस तो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे देखो इसके लिए डी की बात कर लें, तो यहाँ पे डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये बाय में, और ये 2 × 2 है, इंटू थिकनेस जो है वो 3 mm का है, तो 3 × 10⁻ इसको ऐसा कर लेते हैं 0.3, इसको भी सेंटीमीटर में रहते हैं, मेरे मन हो रहा था कि 3 mm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप देखो 3 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 10⁻³ मीटर होगा, और फिर मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 सेंटीमीटर ही तो लिखोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब जो है सॉल्व कर लो, ये 3 × 3 ऊपर में, नीचे में 2 × 0.3 × 0.3, तो ये डेसिमल हटाओ 10 ऊपर दे दो, ये डेसिमल हटाओ 10 ऊपर दे दो, दोनों ही 3 कैंसिल हो जाएगा, हो गया, दोनों 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक ही 3 है, स्क्वायर स्क्वायर मैंने लिख दिया था यहाँ पे, तभी मुझे लग रहा था, अब एक ही 3 है, तो एक 3 कैंसिल हो गया, एक 3 रह गया, ठीक है, तो ये टोटल जो आ जाएगा ना वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो 15 सेंटीमीटर आएगा। चेक करो, 15 तक आ रहा है आपका, हाँ 15 आ गया, बिल्कुल सही। अब इसके बाद जो है, ये 15 जब आ जाएगा ना, तो उसके बाद आप क्या करो, अब वो फॉर्मूला वो वाला यूज़ कर लो, कौन सा, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 − 1/r2, ये फार्मूला अब आप यूज़ करो, ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, और इसमें म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस 3 सेंटीमीटर थिकनेस इतना, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मटेरियल इतना दिया हुआ है, फोकल लेंथ मांग रहा है, तो ऐसे मैं बता दूँ आपको डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, ग्लास के लिए जो होता है 1.5 होता है म्यू की वैल्यू जो होती है ग्लास के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.5 कहने का मतलब 3/2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी को प्लेस कर रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं 3/2 − 1 / 1/15 − 1/∞, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल लो और इसको सॉल्व करके देखो पहले कि क्या होता है। देखो एक्चुअली यहाँ पे आपको म्यू निकालना है, तो म्यू के लिए मैं बता दूँ आपको क्या करना होगा, म्यू इक्वल टू सी बाय वी करोगे, ध्यान देना, म्यू इक्वल टू सी बाय वी करोगे, तो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ होती ही है, और वी जो है वो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर निकालने के लिए 2 × 10⁸ का है, तो 2 × 10⁸,
तो इस तरह से ये 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना तो पड़ेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 3/2 का आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी यहाँ पे लिखा है ग्लास के लिए, आपको ध्यान में रखना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कंडीशन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। भवेश जी भी कह रहे हैं कि बी आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है बी आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे निकाल लो तो फोकस जो आएगा आपका यहाँ से इस हिसाब से वो 30 सेंटीमीटर का आ जाएगा, जो कि भवेश जी भी कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए 30 आ गया। इसको क्लीन कर दूं, अगर नोट कर लिया आपने तो सारा चीज को एकदम अच्छे से हर एक जगह पे जहां पे भी आपको लग रहा है जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं सबको नोट करो, कुछ भी मत छोड़ना, सब चीज इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से हर एक चीजों को एक एक पार्ट को समझना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन यहां पे रोक देता है कि भाई आप बता दो इसका आर की वैल्यू बता दो क्या होगी, तो आपको यहां से भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक बार जिनका नहीं आया वो स्क्रीनशॉट लें और बैठ के एक बार प्रैक्टिस करें, जरूर आएगा, ना आने का कोई चांस नहीं है। आपने किया है, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी किया है जिनका कि कैलकुलेशन मिस्टेक रह गया, बाद में उन्होंने खुद से कैलकुलेशन करके अपनी कॉपी से फोटो क्लिप करके सेंड किया है ना, सब ने किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही कनिका बता रही हैं कि इरफान खान जो हैं उनका देहांत हो गया। एक्चुअली ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही, मैं भी उनको बहुत लाइक करता था, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, और सबसे बड़ी बात है क्या कि उनका अपना, मैंने उनकी कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बताया भी था कि अभी तो मेहनत करके इस लेवल तक वो आए थे और इसके बाद अभी तो मेन और भी बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना बाकी था, तो अभी ऐसा हो गया। क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ में वो एक ऐसा गलत चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि इस लेवल तक आने में ही, बॉलीवुड जैसी जगह में इस लेवल तक आने में ही पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और उसके बाद जब वो इसके आगे अपने नाम और शोहरत को कमाना चाह रहे थे तो उस समय ही उनको अपने इस चीज़ों से गुजरना पड़ा। फैमिली भी उनकी बहुत ही इस चीज़ के लिए सॉफ्ट है, और ठीक 5 डेज बिफोर उनकी मदर की भी डेथ हुई थी, तो नो डाउट। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, स्ट्रगल ही ज़िंदगी है, और यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती है, हर चीज़ों को करना पड़ता है। और जहाँ कहते हैं जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन में, कोरोना में फंसे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे, बहुत चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन इस निगेटिविटी के बीच बहुत बड़ी पॉजिटिविटी भी छिपी हुई है। वो ये है कि आप देखो कि वर्ल्ड लेवल पे इतनी सारी चीज़ें हुई ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, जो कि वर्ल्ड लेवल पे होती रही, और बहुत सारे करोड़ अरबों रुपये उस पर इन्वेस्ट किए गए, चाहे गंगा की सफाई के लिए हो, यमुना की सफाई के लिए हो, नहीं हो पाया। और आज आज सिर्फ महीने से ऊपर का लॉकडाउन जो हुआ है उसमें सारी इन्वायरमेंट चेंज हो गई, पॉल्यूशन ख़त्म हो गया, वर्ल्ड लेवल पे पॉल्यूशन ख़त्म हो गया। तो कहते हैं ना कि कुछ हमें उन पॉजिटिविटी को उस निगेटिविटी में ढूंढना है जिसके लिए हमें अपने हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो आप भी, अगर लॉकडाउन हो तो आप भी अपनी तैयारी को उस लेवल तक ले जाओ, इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा आपको मिले, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए बने हो ना, उस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ना है, आप बने ही हो उसी चीज़ के लिए, तो आपको इससे कोई कुछ नहीं सोचना, आपको अपनी मंजिल देखनी है, उसी रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो आते हैं और अगले क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन था आज का ना, ये थर्ड क्वेश्चन था, और फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
मैं ये चीज़ जरूर डेफिनेटली कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे रेगुलर में से जुड़े हुए हैं और स्टडी कर रहे हैं आज की डेट में, और एक सीरीज़ जो मैंने बना रखी है उन लोगों के लिए जिस बेसिस पे हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट आप लोगों को जाएगा और आप लगातार उस सीरीज़ को देखते जाओगे। जैसे मैं हमेशा बोलता भी था कि आप नोटबुक बनाओ, अब आप अपनी मोबाइल खोलो, देखो जो डाउट्स हैं, वो ऑप्टिक्स के डाउट का अलग पोर्शन बना हुआ है, इवन आपको जितनी भी लिंक सेंड की हुई हैं उससे रिलेटेड आप वीडियो को देखो, और अगर जो ऐसी प्राइवेट वीडियो हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो जिसके टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखे हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा जिनको नहीं मिला है, जो प्रीमियर क्लासेस में हमारे हैं, जो हमारे सिर्फ पर्सनल हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मेरे साथ शेयर करो कि आपकी ये वीडियो ये टॉपिक पे मेरे को अभी चाहिए, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, आपके साथ शेयर करूंगा और आप उसको देखो और बेसिक से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ डाउट आए उसको शेयर करते चले जाओ। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं बता दूं आपको, बड़ा है, लिखने से पहले मैं रुक जाता हूं, सोचता हूं कि लिखूं या दूसरा लिख दूं, कोई बात नहीं, अब आप लोगों ने शेयर किया है तो उसको बताना पड़ेगा। इन एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट, मैं भी पेशेंस रखूंगा, है ना, विद द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिक्स्ड के बाद है अ स्टूडेंट वेर इज द पोजिशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, and for each position the student varies the position of convex lens, and for each position the screen is adjusted to get a clear image, image of the object a graph between the object distance u and the image distance v, from the lens is plotted using the
यूजिंग द सेम स्केल फॉर द टू एक्सेस टू एक्सेस A straight line passing through the origin, and making an angle 45 degree. Making an angle of 45 degree with the x axis meets the experimental curve at P. The coordinates of P will be क्या coordinates होंगे उसके option में दिखा रहा हूं 2F comma 2F. आप सोच रहे होगे इतने सारे इतने बड़े क्वेश्चन लिखने के बाद शायद ऑप्शन का जगह बचा हो या ना बचे, तो फिर भी बच ही गया और ऑप्शन भी मैंने लिख दिया है. ये है तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है. चलिए और मैं देख रहा हूँ नेहा का मैसेज आ रहा है. जी हाँ गुड इवनिंग. और जो रिप्लाई के लिए आंसर आ रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ. हाँ रितिका ने इंस्टेंटली इसका रिप्लाई कर दिया. उनका कहना है कि ए होगा इसका आंसर. तो इतने बड़े क्वेश्चन को देखने के बाद आपको मैं बताऊं, देखिए मैं क्वेश्चन मुझे पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, फिर से मैं रीड कर देता हूं. ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, ऑप्टिकल बेंच पे हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट को. विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, जिसकी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को फिक्स कर दिया आपने, है ना, और उसके बाद आप क्या करते हो, जो इमेज की पोजीशन को उस पर इन्वर्टेड नीडल लाने की कोशिश करते हो. देखा है रितिका आपने तो प्रैक्टिकल किया है मेरे साथ, मैंने कराया भी है लैब में. तो आई स्टूडेंट वेरीज द पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर ईच पोजीशन द स्क्रीन इज एडजस्टेड टू गेट अ क्लियर इमेज, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज वहाँ पे बने, ठीक है ना. और इवन मैंने मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी जो कराए हैं वो मैंने अपलोड किया है. तो ऑप्टिक्स का मैंने अपलोड नहीं किया, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्टिक्स का भी अपलोड कर दूंगा. अ ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस वी. ग्राफ तो आप बनाते हो ना, यू और वी के बीच का ग्राफ बनाते हो ना, इस तरह से यहाँ पे यू ले लिया, यहाँ वी ले लिया, और कुछ इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. Distance V from the lens is plotted using the same scale of two axes. दोनों ही axis पे same scale पे graph को देखा जा रहा है. A straight line passing through the origin and making an angle 45 degree
विद द एक्स एक्सिस। अब कोई भी स्केल से आप यहाँ पे देखो एक 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है जितनी इंक्लाइनेशन यू की तरफ है सेम इंक्लाइनेशन वी की तरफ भी है, ठीक है, सेम इंक्लाइनेशन वी की तरफ भी है। और अब यू वी का ग्राफ जो ड्रॉ होता है जिसमें आपको यू और वी, इसका मतलब यू और वी आप क्या लेते हो सेम के लिए लेते हो, द एक्स एक्सिस मीट्स द एक्सपेरिमेंट कर्व एट पॉइंट पी। अब वो एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में एक्स एक्सिस पे जो आप ग्राफ वहाँ पे ले रहे हो और वो पी पॉइंट पे मिल रहा है एक्स एक्सिस में। अब ये देखो ये बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे है उसको आपको प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में ही आप समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। ये चीज़ मैं तो आपको यहाँ पे भी बार बार बोलूँगा, क्लियर बोलूँगा, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो क्वेश्चन को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखा देता हूँ, ठीक है, जो मेन चीज़ है वो मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, इतने बड़े चीज़ों को लिखाने, इनफैक्ट हमारा जो आंसर है वो इस क्वेश्चन से फिर भी बहुत छोटा मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, द पोजिशन वेयर द स्ट्रेट लाइन, पोजिशन वेयर द स्ट्रेट लाइन, अब ये जो पोजिशन है जहाँ की स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ और वो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री जैसे हम वहाँ देख रहे हैं, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री किसके साथ, तो विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट, अब ये यू वी कर्व है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यू वी कर्व को, इज वन फॉर कंडीशनल है फॉर यू इक्वल टू वी, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि यू इक्वल टू वी है ना, और वेयर ये पहले मैं ये लिख देता हूँ, द ओनली पोजिशन वेयर द ओनली पोजिशन वेयर, जहाँ के u इक्वल टू v होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पोजिशन होता है, पोजिशन वेयर u एंड v आर इक्वल, वेयर u एंड v आर इक्वल, वो 2f और 2f का ही पोजिशन होता है, 2f और 2f का, इसी केस में सिर्फ 45 डिग्री का ये एंगल बनाता है, इसी सिर्फ इसी और इसी केस में, मतलब देखो 2f और 2f कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक लेंस ले लेता हूँ तो इससे 2f मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा जाए इसका यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा जाए यहाँ पे, तो 2f यहाँ पे और 2f यहाँ पे, एक तरफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ इसकी इमेज ऐसी बनेगी, और देखो यहाँ सेंटर पे एक्स एक्सिस के साथ ये उस केस में ही यहाँ पे 45 और 45 का एंगल बना देगा, ठीक है, तब ये जो है बिल्कुल 45 का एंगल यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए, इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो ये 2f और 2f का बना देगा, ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा और फिर अगली क्लास में और भी चीज़ों को हम लोग शेयर करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी भी मेरे पास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के हैं, बहुत सारे मतलब एक दो नहीं है, अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स जो हैं अभी भी मोर देन 200 से तो अभी मेरे पास हैं पेंडिंग में, है ना, और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में चूँकि हमारे जो नेबर हैं वो भी थोड़ा मेहरबान होते हैं, अभी तो कुछ म्यूज़िक आपको सुनाई दे रही हो, कुछ सॉन्ग सुनाई दे रहे होंगे, तो वो भी इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय करो, ठीक है, और फुल इंजॉय करो और अच्छे से आप अपने
जो प्रॉब्लम्स हैं उसको साथ में शेयर करो मेरे साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।